वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है। 13 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे और बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह जवानों के साथ डिनर करते भी नजर आएंगे। अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने बस्तर के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप से खास बातचीत की है। हमारे साथ मंत्री केदार कश्यप जी हैं। अमित शाह जी का दौरा होने वाला है, इसे लेकर हम चर्चा करेंगे। मंत्री जी, अमित शाह जी का दौरा होने वाला है बस्तर, ये फिर से एक बार बस्तर आएंगे और कहीं ना कहीं जो बस्तर ओलंपिक आप लोगों के चली है उसमें समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से माननीय अमित शाह जी का विशेष तौर पर फोकस है, यहाँ के हमारे लोगों को आर्थिक दृष्टि से कैसे मजबूत किया जाए, और विगत कई वर्षों से उनका लगातार यहाँ पर आगमन हुआ है और उनके नेतृत्व में लगातार हमने चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में जो सफलता हासिल की है, और आज उन क्षेत्रों में जो नक्सल मुक्त करने की दिशा में हमारी पार्टी आगे बढ़ी माननीय मिश्र देवसाय जी के नेतृत्व में, ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। और अभी वो बस्तर भी आएंगे, हमारे छत्तीसगढ़ में उनका प्रवास है और अलग अलग उसमें कार्यक्रम में भाग लेंगे। मंत्री जी, हम पहले देखते थे कि बस्तर क्षेत्र में पहले जो राज्य के ही नेता थे वो सड़क के दौरे करने से ही डरते थे, लेकिन अब लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा रहे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार अब बस्तर आ रहे हैं, वहाँ पर सेना के जो बल है हमारे सुरक्षा जवान उनसे भी मिलते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये उपलब्धि है सरकार की। बिल्कुल, और केंद्रीय गृह मंत्री का सरकार पहले की सरकार किस तरीके से हमारे बस्तर पूरे छत्तीसगढ़ को किस तरीके से उपेक्षित करती थी, आज हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि बस्तर के उस दुरार वनांचल क्षेत्र में, चाहे सुकमा में हो चाहे बीजापुर में हो, उन क्षेत्रों में जाकर के दौरा कर रहे हैं, वहाँ सीधा संवाद करते हैं, नक्सल मुक्त करने के क्या कहते हैं संकल्प लेके जाते हैं। तो ये सरकार की मंशा है, इच्छा है, शक्ति है। पहले के सरकार के पास में शक्ति थी परंतु इच्छा नहीं थी, आज की सरकार के पास में इच्छा भी है और शक्ति भी है। माननीय विश्व देव साई जी लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो नक्सलियों का भी संदेश देने की कोशिश है? नक्सली लगातार बैकफुट पे है और हमारे जवानों का मनोबल बढ़ा हुआ है और जवान जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और हमारे चाहे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हो, माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में लगातार जो नक्सलवाद के खात्मा की दिशा में हमारा पूरा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा है, हम उसके लिए हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जी बिल्कुल, 2026 में मार्च में नक्सल उन्मूलन को लेकर एक टारगेट भी फिक्स किया गया और लगातार जिस तरीके से अमित शाह का दौरा बस्तर पर हो रहा है, बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब दिल्ली के दौरे पर थे तो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री जी को आमंत्रण जो है वह भी दिया था, फिलहाल उनका यह दौरा होने वाला है और नक्सलियों को भी एक संदेश देने की कोशिश सरकार की रहेगी। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।